महोदय, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ और हृदय से धन्यवाद इस बात के लिए देता हूँ कि जब कभी विषय पर चर्चा के लिए आप चुनते हैं तो उस विषय को व्यापकता में ले जाते हैं। श्री में जब विषय आप चुनते हैं तो उसकी भी व्यापकता में ले जाते हैं। आज का भी विषय है तो कोई सीमित नहीं है, ये विषय व्यापक है क्योंकि प्रस्ताव में स्वतः ही कहा गया है कि देश में अत्याचारों और भीड़ द्वारा हिंसा में जान से मारने की कथित घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा उठाए। भीड़ कोई एक नहीं है और एक तरह की नहीं है, भीड़ भीड़ है, चाहे वह किसी के नाम पर भीड़ हो। लेकिन भीड़ द्वारा जो हिंसा की जाती है या उस भीड़ के अंदर मानसिकता क्या रहती है, इसके संबंध में एक मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि रामचरितमानस में एक कहानी है, आप तो ज़्यादा जानते हैं, कि कालनेमी नाम का एक राक्षस था। वह भी श्री हनुमान के रास्ते में जब बाधा पैदा करने गया तो उसने भी अपना रूप साधु का बना लिया, लेकिन हनुमान जी तो उस रूप को पहचान लिए थे। फिर आगे की कथा चलती है। उसी तरह मैं ये जानता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर भी कुछ लोग आज कालनेमी बात से ग्रसित हैं। कालनेमी कोई एक व्यक्ति नहीं है, कालनेमी एक विचारधारा है, कालनेमी एक चरित्र है, कालनेमी का एक चिंतन है। और आज भी हिंदुस्तान के राजनीति में ये कालनेमी हैं, पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन उससे लड़ने वाला भी हनुमान जैसा चाहिए। तो उसके लड़ने के लिए जब प्रश्न आया तो मैं खड़गे जी से निवेदन करूंगा कि भारत के प्रधानमंत्री कई बार सार्वजनिक रूप से कहे कि ये गलत है, ये अपराध है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। तो भारत का प्रधानमंत्री जब कहते हैं तो उन राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि प्रधानमंत्री के इस आदेश के अनुसार कार्रवाई करे। क्या कहीं संविधान में लिखा है कि भारत की सरकार पलटन भेज देगी, भारत की सरकार सीआरपी बीएसएफ को अलग से भेज देगी, जहां भेजने की आवश्यकता है कश्मीर में भेजने की आवश्यकता है या चीन की सीमा पर भेजने की आवश्यकता है तो हम निर्भयता पूर्वक निर्दरता पूर्वक भारत की सरकार अपने 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 हिम्मत से काम कर रही है और आगे भी करेगी। जब प्रधानमंत्री ने बार बार कहा तो किसी के नियत पर शंका पैदा करना उचित नहीं होता है। हमारे गुरु डॉक्टर लोहिया हमेशा कहा करते थे, तुम नीतियों की आलोचना करो, उनके विचारों की आलोचना करो, लेकिन किसी की नियत पर शंका मत करो। ये बहुत खराब बात है। हमारी नियत पर आप शंका करते हैं, हम बार बार कह रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ आप बोले दीजिए मुझको, मैं कहता हूँ इस बात को इसलिए कि आज हिंदुस्तान के करोड़ों लोग इस गंभीर समस्या पर टीवी पर सुन रहे होंगे। अनुराग ठाकुर, क्या हो रहा है? अरे भाई बोलने दो, क्यों बोल रहे हो? आज हिंदुस्तान के करोड़ों लोग इस टीवी पर सुन रहे होंगे, इस पर वो ध्यान लगा के सुन रहे होंगे। मैं उन श्रोताओं को भी कहना चाहता हूँ कि सदन की चर्चा को आप अपने अंदर रखो, उस पर चिंतन करो, मनन करो, निर्णय करो। आज हिंदुस्तान में मैं भी कह सकता हूँ, मेरी सीधी जानकारी है, 58 वर्ष के राजनीति के इस जिंदगी में मैंने ऐसे बहुत कालनेमी बात को देखा है। और आज भी मैं कहता हूँ कि वे छद्मवेशी लोग हैं जो कालनेमी बन के किसी दूसरे नाम पर सरकार को बदनाम करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से इस तरह का आतंकवादी कार्यक्रम चला रहे हैं जिससे सरकार की छवि को बर्बाद किया जाए। ऐसे कालनेमी को पकड़ने की आवश्यकता है, कौन है वो, खोजने की आवश्यकता है। इसलिए मैं विनम्र प्रार्थना करता हूँ, मैं आपको तो नहीं कह रहा हूँ कालनेमी, आप क्यों नाराज हो रहे हैं? आपको तो नहीं कह रहा हूँ ना, मैं किसी पर यहाँ सदन में किसी दल पर किसी पार्टी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ।
भीड़ की बात आप करते हो, मैं फिर पूछना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कश्मीर में एक डीएसपी अफसर किसी समारोह के कार्यक्रम में जाता है, भीड़ आती है, पकड़ के घसीट के उनकी हत्या कर देती है, क्या वो भीड़ की हत्या नहीं है? कश्मीर में जब हमारे पलटन वहां पर सीमा की सुरक्षा में लगे हैं, आतंकवादी से लड़ रहे हैं, उस हमारे पलटन पर भीड़ बना करके पथराव करते हैं, उनको अपने राष्ट्र भक्ति के काम में अवरोध पैदा करते हैं, आतंकवादियों से लड़ने में रोक रहे हैं, और फिर इसी देश में एकाध नेता भी होते हैं जो उस पत्थरबाजों को कहते हैं कि वो अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है। ये देश के सभी लोग इसको सुनते हैं और समझते हैं, इसीलिए मैं विनम्र प्रार्थना कर रहा हूँ कि देश के नौजवानों समझो। मैं फिर एक बार आपसे प्रार्थना करूंगा, आज की लड़ाई नहीं है, मैं आपसे प्रार्थना करके बहुत दिन की एक घटना और डॉक्टर लोहिया की वाणी को सुना देना चाहता हूँ। 5/11/1965 केरल में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा संबंधी संकल्प, उस पर बोलते हुए उन्होंने कहा था, सिद्धांत एक बात बतलाना चाहता हूँ, वह यह कि कांग्रेसी सरकार को एक बात का घमंड है कि वह हार नहीं सकती, तो वह किसी हद तक सही है। स्वतंत्र पार्टी उसको कभी हरा नहीं सकती, जनसंघ उसको कभी हरा नहीं सकता, कम्युनिस्ट पार्टी उसको हरा नहीं सकती, केवल एक दल उसको हरा सकता है जिसमें आर्थिक क्रांतिकारिता और राष्ट्रीयता दोनों एक साथ समान मात्रा में जुड़ी हुई हो। मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने कहा आर्थिक क्रांतिकारिता और राष्ट्रीयता दोनों समान रूप से जुड़ी हुई हो, और इसी को समन्वित करने के लिए 1964 में कानपुर में संघ के शिविर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने लोहिया को आमंत्रित किया था, और लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय एक साथ जुड़ने की प्रक्रिया में चल रहे थे, उनके जो दुश्मन थे उन्हें यह बर्दाश्त नहीं हुआ, तो 67-68 दोनों में, 67 में लोहिया और 68 में दीनदयाल, दोनों की हत्या कर दी गई कि ये एकत्रीकरण न होने पावे। आर्थिक क्रांतिकारिता राष्ट्रीयता दोनों एक साथ समान मात्रा में जुड़ी हुई हो, उन्होंने उस समय भविष्यवाणी की थी, वह दल अभी बन पाया है या नहीं बन, नहीं इस पर मैं कोई राय नहीं देना चाहता, लेकिन इतना जरूर याद रखना कि चाहे वह कृष्ण छोटा ही क्यों न दिखाई पड़ता हो, लेकिन किसी वक्त वह कंस के सिर पर और छाती पर चढ़कर ऐसा मारेगा कि उसको ठीक कर देगा। यह काम आर्थिक क्रांतिकारिता और राष्ट्रीयता की जुड़ाव वाली पार्टी ही कर सकती है। मैं कहना चाहता हूँ इसी संदर्भ में, श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, राष्ट्रीयता की भावना से वो तत्परोत हैं, लेकिन आर्थिक क्रांतिकारी आर्थिक कदमों को उठा रहे हैं। जो लोग जानने वाले हैं वो समझ गए हैं कि अगर राष्ट्रीयता और आर्थिक क्रांतिकारिता दोनों एक साथ चलेगी तो दोनों चक्की में वे कालनेमी जितने हैं ऐसे पिस जाएंगे कि उनके वंश में कोई नहीं रहने वाला रहेगा। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ये कहाँ से कहाँ, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, मन में है कुछ, बात करते हैं कुछ, क्या आज हुआ है? ये शब्द मुझे बड़ा खराब लगता है। जब राज्यसभा में बहस हो रही थी तो मैंने पूछा किस पर बहस है, तो कहा मॉम लिंचिंग, तो भूपेंद्र यादव जी से हमने पूछा कि ये लिंचिंग फिंचिंग क्या होता है, तो उन्होंने मुझे बताया कि भीड़ के द्वारा उपद्रव। मैंने जैसे कश्मीर की बात बताई, मैं ये नहीं कहता आरोप लगाता, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि अगर केरल दो विचार की लड़ाई है, भारतीय चिंतन में वैचारिक द्वंद्व को महत्व दिया गया है, विचार करो, सत्संग करो, बहस करो, आपस में समन्वय बनाओ, सहमति बनाओ, सदगति बनाओ, यही तो हमारी धारा रही है, हम इससे कहाँ विमुख होते हैं। और आप जिस बात की चर्चा करते हैं उस बात से आगे आइए,
जिसकी चर्चा आपने कहा वो ट्रेन में जुनेद को मार दिया, बार बार आ रहा है कि सीट के लिए झगड़ा हुआ था और आप उसको जोड़ रहे हैं कि इस कारण से मार दिया। बातें सामने आई, झगड़ा हुआ सीट के लिए, दो आदमी आपस में लड़ गए, दो आदमी में मारामारी कर दिए और उसको उठा करके आप बात ला रहे हो कि हिंदू मुसलमान का झगड़ा है। हिंदू मुसलमान के झगड़ा को मत बनाओ। मैं फिर कहना चाहता हूँ, केरल में अगर संघ के विचारक अपने विचार का प्रचार करते हैं, प्रचारक जाते हैं, उन प्रचारकों की हत्या होती है। क्यों होती है, किस कारण से? एक बात याद रखो कि भारतीय संस्कृति में हम इसको मानते हैं, एक नहीं अनेक। हम उस विचार के राही हैं, हम उस शाश्वत सनातन राह के राही हैं कि हम विचार को लेके चले हैं। आप मेरे सिर काटते चलोगे, मेरी हत्या करते चलोगे, लेकिन हम उस राह के राही हैं कि एक न एक दिन हम एक में से अनेक बनते जाएंगे और कभी न कभी हम अपने मंजिल तक जाएंगे। आप हमारी हत्या कर रहे हो, क्या वो मॉब लिंचिंग नहीं है? उसके लिए आपके आंख में आंसू नहीं है? क्या वो मरने वाला मानव नहीं है? क्या केरल में जो मारे जाते हैं वो इंसान नहीं है? क्या वो हिंदू या मुसलमान हो के खाते में नहीं डाले जा सकते? इसीलिए ना, लेकिन इंसान इंसान होता है। किसी भी दल के चिंतन को बर्दाश्त करने की क्षमता, जिसमें सहनशीलता नहीं है, जिसमें बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है, वो हिंसा का सहारा लेता है। अध्यक्ष महोदय, एक राजनीतिक पार्टी के नेता, बड़े नेता, मैं नाम नहीं लूंगा, उनका अखबार में बयान आया, टीवी में, मुझे सेंट्रल हॉल में साथी लोग बता रहे थे कि ऐसा आया है कि वो झारखंड में कहते हैं कि ये जो नक्सलाइट है, उस नक्सलाइट को अमुक पार्टी को वोट देना चाहिए और समर्थन करना चाहिए। क्या ये मॉब लिंचिंग को उसका बात देना नहीं है? इससे बड़ा मॉब लिंचिंग क्या हो सकता है? मैं कहूंगा जिस पार्टी के वो नेता हैं, उन्होंने नक्सलाइटों से अपने खुले रूप से समर्थन मांग करके उन्होंने राष्ट्रद्रोह किया है, उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा अपराध नहीं है। उग्रवाद, आतंकवाद, उससे अपने हित के लिए समझौता करना, हमने इस देश में देखा है। बटाला कांड हुआ, उस पर विवाद हुआ, एक शहीद, बटाला कांड में एक शहीद को क्या क्या नहीं कहा गया। मुंबई की घटना हुई, एक बड़े अफसर क्या उकर करे थे, उनकी हत्या, शहादत हुई, उसके बारे में क्या क्या नहीं कहा गया, हमने क्या क्या नहीं सुना है, क्या क्या न किया मेरे साथ। आप जानता हूं मैं आपकी कहानी को, लेकिन आप भी धीरे से सुनिए। ये अत्याचार आज है, सामाजिक अत्याचार, राजनीतिक अत्याचार, आर्थिक अत्याचार, धार्मिक अत्याचार, सांस्कृतिक अत्याचार इस हिंदुस्तान में जो होते रहे, मैं बताता हूं, मैं अपने क्षेत्र की घटना बताता हूं। और मैं इस सदन से प्रार्थना करता हूं कि सदन के किसी वरिष्ठ संसद सदस्य की अध्यक्षता में संसद की कमेटी बने और मैं दो तीन घटनाओं की जिक्र करता हूं, उसको जाके जांच कर ले। मेरे क्षेत्र में बिस्फी है, लोहरा सुबोल गाँव है, यादवों का गाँव है, वो लोग महावीरी झंडा बनाए, उसका जुलूस निकलना चाहते थे। आगे नरसाम एक संप्रदाय विशेष का गांव है, उन्होंने कहा सरकारी सड़क है, पीडब्ल्यूडी की सड़क है, और प्रधानमंत्री सड़क है, पीसीसी सड़क है, 20 फीट चौड़ी सड़क है, लेकिन कहा कि सो करके महावीरी झंडा नहीं जाने देंगे, क्योंकि सड़क के किनारे मेरा एक धार्मिक स्थल है, इसके सामने से नहीं जाने देंगे। आज की घटना नहीं है, उस समय आरजेडी की सरकार थी, आए पुलिस वाले, आए अफसर, आए, नहीं जाने दिया। एक अलग से सड़क बना दी गई कि महावीर जी झंडा लेने के लिए इस सड़क से जाओ, इस सड़क से नहीं जा सकते हो। क्या एक हिंदुस्तान में दो हिंदुस्तान बनेगा? महावीर झंडा जाने के लिए अलग सड़क बनेगी, तजिया जाने के लिए अलग सड़क बनेगी, मुसलमानों के जुलूस के लिए अलग सड़क बनेगी, रामनवमी में, जन्माष्टमी में, सरस्वती पूजा में प्रतिमा के विसर्जन के लिए अलग सड़क बनेगी? सरकारी सड़क है। घटना नंबर एक।
घटना नंबर दो, मेरे गांव में केवटी, दरभंगा जिला में केवटी मेरे क्षेत्र में है, वहां दानी एक गांव है, वहां के अनुसूचित जाति के कमजोर भाइयों ने, बच्चों ने सरस्वती पूजा की, विसर्जन के लिए जुलूस निकालना चाहा, कहा गया कि गांव हो करके इस प्रधानमंत्री सड़क हो करके मुख्य सड़क से जुलूस नहीं ले जा सकते हो, नहीं ले जा सकते हो। उनके जुलूस को रोका गया कि तुम इस रास्ते से बाहर बाहर जाके नदी में मूर्ति का विसर्जन करो। मैंने उनको रोका, मैंने कहा उस सड़क से जुलूस लेके जाएगा। फिर वहां डीजीपी गए और उन्होंने उनके जुलूस को निकाला। क्या ये मॉब लिंचिंग से कम अपराध है क्या? सांस्कृतिक अपराध, सांस्कृतिक जुलूस को रोकना, किसी के धार्मिक कर्तव्यों में बाधा पैदा करना, क्या ये मॉब लिंचिंग से छोटा अपराध है क्या? क्यों रोका गया उनको? अब जाके जांच करिए। अंतिम घटना एक बताता हूं, भैरवा एक गांव है, बहुत बड़ी पर्ती है, उसमें किसी साहू जी ने किसी जमाने में महादेव का मंदिर बनाया, आज उसके चारों तरफ कब्रिस्तान की घेराबंदी कर दी गई, उस मंदिर का रास्ता बंद हो गया, हर साल वहां सावनी में टेंशन होता है, हजारों लोग जलाभिषेक करने जाते हैं, उनका रास्ता रुक जाता है, घुटने भर कीचड़ होकर जाना पड़ता था, उसमें किसी तरह पीसीसी मैंने करवाया, जो उस होकर के लोग जाते हैं। आखिर क्यों, क्यों? कमजोर कौन है इस देश में? कोई ना अल्पसंख्यक है ना कोई बहुसंख्यक है, हिंदुस्तान में हिंदू जाति जात में बटा है, और हर जात को अलग अलग कर दो तो हर अल्पसंख्यक है, कोई बहुसंख्यक नहीं बनता है। लेकिन आप अगर किसी बहुसंख्यक गांव में, किसी के गांव में, मेरे क्षेत्र में, मैं उस क्षेत्र से आता हूं जिस क्षेत्र में अकेले सर्वाधिक मुस्लिम का वोट है, लेकिन मैं उस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बन के जीत के आता हूं और गर्व के साथ कहता हूं कि मुझे मुस्लिम भाइयों का भी वोट मिलता है, कुछ मुस्लिम भाइयों का वोट भी मिलता है। क्यों? दुर्गा पूजा है, रामनवमी है, सरस्वती पूजा है, पिछड़े और दलित समाज के बच्चे शहर में जाने लगे हैं, उनमें चेतना आई है, वो भी ऐसे मौके पर मूर्ति पूजा करते हैं, सांस्कृतिक उत्सव मनाते हैं, और अध्यक्ष महोदय उनके बच्चों को आनंद आता है कि इस दुर्गा माता रामनवमी में राम के नाम पर, कृष्ण के नाम पर कुछ मिठाइयाँ बनती है, आपस में बांट के खाते हैं, उनके हृदय में कितना आनंद आता होगा, उस आनंद को कौन जाने। लेकिन जब वो मूर्ति को विसर्जन करने के लिए चलते हैं तो इस रास्ते से नहीं जाने देंगे। इस पर किसी ने बोला, आपका राज था इतने दिन आपने बोला, अभी बिहार में शपथ ग्रहण के बाद एक मुसलमान भाई मंत्री ने कहा जय श्री राम, उनका फतवा जारी हुआ, उनके विवाह का निकाह कैंसिल कर दिया, उनको फांसी झुलाया गया, उनको कहा गया माफी मांगो, वो बीच में गए, सबके बीच में, मॉब के बीच में माइक पर कहते हैं जिन लोगों को मेरी बात से चोट लगी हो मैं उनसे माफी मांगता हूँ। लेकिन बार बार कहा गया, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर उसने जय श्री राम कहा तो क्या अपराध किया? गांधी जी के समय में मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, रफी अहमद खितवाई थे, खान अब्दुल गफ्फार खां थे, साबरमती आश्रम में बैठते थे, सब एक साथ कहते थे ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान। कहां गांधी, ईश्वर अल्लाह का गान हिंदू मुसलमान सब मिलके करते थे, कहां मौलाना आजाद थे, रफी अहमद खितवाई थे, खान अब्दुल गफ्फार खां थे, जाकिर हुसैन थे, ये जब बोलते थे वंदे मातरम गांधी जी के नेतृत्व में, आज वो वंदे मातरम कहना अपराध है क्या? इस देश में हम कहेंगे वंदे मातरम नहीं कहने देंगे? ये मॉब लिंचिंग नहीं है क्या? ये मॉब लिंचिंग से भी बड़ा अपराध है कि राष्ट्रीयता के साथ, एकता के साथ, अखंडता के साथ राष्ट्र धर्म सबसे ऊपर धर्म होता है। एक बात कह के मैं समाप्त करूंगा, डॉक्टर लोहिया ने कहा हिंदुस्तान में दो धारा है, एक धारा गुलाम दास भाव की का समन्वय है और एक स्वामी भाव का समन्वय है। डॉक्टर लोहिया ने बोलते हुए कहा इसी लोकसभा में,
इसी लोकसभा में कहा 1903 भारतीय इतिहास की आलोचना लोहिया जी के साथ अन्याय नहीं हो रहा है। मैं लोहिया की किताब पढ़ रहा हूँ, लोहिया वो नहीं थे। सुनिए लोहिया ने क्या कहा है। आजकल वक्ताओं में यह भी देखा गया है कि बार बार कहने की प्रवृत्ति आ गई है कि हमारा अनोखा देश है, यह सबको खपा लिया करता है, सबके साथ समन्वय कर लिया करता है, हमारा तो विविधता में एकता वाला देश है। आज आप महानुभाव लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि इस इतिहास की जहरीली धारा ने हमारे दिमाग को कुछ ऐसा बना डाला है कि वर्तमान राजनीति में लगा हुआ हिंदुस्तान सोचता है कि हम तो प्रगतिशील हैं, अब आने दो किसी बाहर वाले को, जीत लेगा तो हमारा क्या बिगड़ेगा, एक दफा जीत लेगा और बाद में हमारे अंदर एक बहुत ज़बरदस्त सांस्कृतिक अमृत है, उसके सबब से हम उसको सांस्कृतिक रूप से जीत लेंगे, अपने में खपा लेंगे। अपने में या खपा लेने की बात के संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि ये इतिहास की बिल्कुल धारा खत्म होनी चाहिए। समन्वय दो तरह का होता है, एक दास का समन्वय है और एक स्वामी का समन्वय है। पिछले हजार बरस के इतिहास से हिंदुस्तान ने स्वामी भाव का समन्वय नहीं सीखा, यह एक दास का समन्वय रहा है। यह सांस्कृतिक समन्वय की बात करें, मैं नहीं कह रहा हूं, इसी लोकसभा में भारतीय इतिहास की आलोचना पर बोलते हुए डॉक्टर लोहिया ने कहा था, उन्होंने कहा है इस संबंध में मैं खाली परदेशियों को ही दोष नहीं देता, उनके सबब से जितने भी इतिहासकार हैं वे उसी जहर में बिल्कुल भूल जाते हैं। आज भारत में दो इतिहास के स्कूल हैं, एक डॉक्टर ताराचंद का और एक डॉक्टर मजुमदार का, ये दोनों के दोनों इसी समन्वय धारा के हैं, विविधता धारा के हैं। भारत क्या है उसको भूलकर भारत के जो विभिन्न अंग हैं उनकी तरफ निगाह चली जाती है। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा, क्या हो गया अभी आप बोलिए, क्यों ये खत्म नहीं करना अभी चलाइए। देखकर रो पड़ते थे, नहीं कोई जरूरी नहीं, आपके कान में थोड़ी आके। अध्यक्ष महोदय, खड़गे साहब, जब हिंदुस्तान विविधता में एकता है, मैं ऐसा संसद सदस्य हूँ जिसमें विविधता में एकता है। मेरे पिताजी, आठ चाचा, चार चचेरा भाई गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन में जेल गए, चार बरस तक जेल, चार साल की सजा भोगे, वे सभी कांग्रेसी थे। मेरे आठ चाचा, चार चचेरा भाई, 16 आदमी मेरे खानदान से जेल गए, 4 साल की सजा पाए, लेकिन इतिहास में उनका कहीं नाम नहीं है, लेकिन उनका नाम इतिहास में मजा पा रहे हैं जो खानदान से एक आदमी जेल में गए और बरसों तक हिंदुस्तान में मजा पाते हैं। मैं भी उसी खानदान से हूँ, मेरे अंदर भी उस स्वतंत्रता सेनानी का खून है जो अंग्रेजी राज से लड़ा था, मेरे अंदर वो खून है जो मैं कांग्रेसी राज से लड़ा, मेरे अंदर खून है जो मैं आज भी लड़ रहा हूँ। चाहे मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन कभी कांग्रेस के आगे अपने सर को नहीं झुकाऊंगा। ये मैं उस धारा का आदमी हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ कि आज कुछ कल कुछ, कल कुछ, कांग्रेस के आगे झुकते भी हैं, कांग्रेस से मिलते भी हैं, अंदर अंदर दोस्ती, अब बाहर बाहर झगड़ा, ड्राइंग रूम में एक थाली में पुलाव खाते हैं और सड़क पर आकर एक दूसरे को गाली देते हैं। क्या देश में होली मनाते हो, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं रहेगा, जनता लेखा जोखा लेगी। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि समझो, मैं 1950 का संघ का स्वयं सेवक हूँ, आप में से कितने हो जो 1950 में जन्म लिए हो गए। मैं 1950 में संघ का स्वयं सेवक हूँ, जब 8वीं क्लास में पढ़ता था, और संघ के स्वयं सेवक रहते हुए शाखा में जाते हुए गुरु दक्षिणा करते हुए, और मैं समाजवादी युव जनसभा में काम करता था, लोहिया के नेतृत्व में सामाजिक क्रांति में लगा रहा, मैं दोनों धारा को लेकर आया हूँ। मैं तो शुरू से कहता हूँ वही आर्थिक क्रांतिकारी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, फिर उसी भारतीय इतिहास की आलोचना पर डॉक्टर लोहिया ने कहा था, आज जो हमारे बीच में बसने वाले, एक सेकेंड, आज जो हमारे बीच बसने वाले मुसलमान हैं, आखिर तो हमारे भूतपूर्व हिंदू हैं, उनका कोई हाथ नहीं था इस वाक्य में, उनसे बदला न लिखाकर, जो कि एक बिल्कुल अहमक काम होगा, हम यह कोशिश करते हैं कि इतिहास को गुस्से के रूप में न देखें,
बल्कि दर्द के रूप में देखते हैं। हम नहीं जाते खिलाफ। जब वो कहते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान भूतपूर्व हिंदू हैं, तो मुसलमानों को भी सोचना चाहिए कि वो भूतपूर्व हिंदू हैं। दोनों सोचेगा, हर मुसलमान सोचे कि हिंदू की भावना का सम्मान करे और हिंदू मुसलमान की भावना का सम्मान करे। मैं नहीं कहता, आपसे मैं पूछना चाहता हूं। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्कर्म स्वभावजम। आप बोलिएगा, आप बोल लीजिएगा, आप बहुत दिन बोले मुलायम सिंह जी, अब आपके बोलने का समय जा चुका है, अब नए लोगों को बोलने दीजिए। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, इसलिए मेरी विनम्र प्रार्थना है, मेरी विनम्र प्रार्थना है कि जब हिंदू, जब मुसलमान को लोहिया कहते हैं कि आखिर वो भूतपूर्व हिंदू ही तो है, तो मुसलमान को सोचना चाहिए कि वो भी भूतपूर्व हिंदू है। हर हिंदू, अगर मुसलमान हमारा पूर्वज जो मुसलमान है हमारे पुरखे थे, तो मुसलमान को भी तो सोचना चाहिए। आज के हिंदू हैं, हम उन्हीं के पुरखे की औलाद हैं, दोनों को सोचना पड़ेगा ना। मैं तो नहीं कहता, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, मैं डॉक्टर लोहिया की इन बातों के साथ मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा। मैं उन्हीं की बात सुनाना चाहूंगा। डॉक्टर लोहिया समाजवादी थे। आप समय लगेगा क्या? इसे लगेगा कुछ आपको अभी समय लगेगा, कुछ थोड़ा यार लगेगा। तो लंच के बाद बोलो। अब अगर 5-7 मिनट दे दे तो मैं खत्म कर दूँ। लंच के बाद 15 मिनट लंच के बाद मैं थोड़े लंच के बाद बोलो तो ज्यादा, क्योंकि एक कार्यक्रम है अभी। बाद में आपको 5 मिनट दे दूँ। द हाउस स्टैंड्स एडजोर्न टू मीट अगेन at 2:15. भोजनावकाश से पहले मैं कुछ बिंदुओं की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट कर रहा था। मैं उस ओर आकृष्ट कर रहा था कि इस देश में पाकिस्तान जैसे छद्म युद्ध लड़ते हुए आतंकवाद को प्रश्रय दे रहा है, प्रोत्साहन दे रहा है और आतंकवाद के नाम पर छद्म युद्ध लड़ रहा है, उसी तरह हिंदुस्तान में कुछ लोग हैं जो नरेंद्र मोदी के शासन के खिलाफ सीधे लड़ने में तो हिम्मत नहीं है, लेकिन वो छद्म युद्ध लड़ रहे हैं और ये कहीं ना कहीं उनको पाकिस्तान के आतंकवादियों से कहीं ट्रेनिंग न मिली हो, भगवान जाने, लेकिन मुझे पता नहीं, क्योंकि इनकी टेक्निक वही है, टेक्नोलॉजी वही है, इनके चरित्र वही हैं, इनके कार्यक्रम वही हैं। मैं देश के हिंदुस्तान के करोड़ों नौजवानों से, पढ़े लिखे नौजवान हैं, नेट वाले हैं, इंटरनेट वाले हैं, ऑनलाइन वाले हैं, उनके पास वो सारी सुविधाएं हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, तो उनसे प्रार्थना करूंगा कि बातों को समग्रता में समझो। आज जो लिंचिंग की बात हो रही है इस दिल्ली में, जो इतने सिखों के ऊपर में झुंड बना करके उनकी हत्याएं किए गई थी, वो लिंचिंग नहीं था क्या? और उस लिंचिंग के समय ये आज फिंचिंग करने वाले लोग हैं, सो कहाँ थे? उन्हें ही दिखाई पड़ा था कि इतना बड़ा नरसंहार जो आसाम में घटना घटित हुई थी, या मैं माफ करेंगे आप बोलेंगे बताइएगा, किसी भी संप्रदाय के द्वारा हो, लेकिन बंगाल में संप्रदाय के नाम पर एक दूसरे के ऊपर समूह बना के कर रहे हैं, क्या वो लिंचिंग नहीं है? केवल एक थोड़ी सी घटनाओं को आप लिंचिंग मानोगे, मैं समझता हूँ केवल वो लिंचिंग नहीं है, बल्कि इसको समग्रता में देखने का काम करिए और इसको समूल नाश कैसे हो, इस पर सदन में विचार होना चाहिए और देश को गंभीरतापूर्वक इस पर चिंतन करना चाहिए। यह पार्टी का विषय नहीं है, यह किसी जाति का विषय नहीं है। रामविलास पासवान जी बैठे हुए हैं, हम तो उस राजनीति से आए हैं उपाध्यक्ष महोदय, जो लड़ते 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 कितने डंटे खाए हैं और आज भी जब पूर्वा हवा चलती है तो इनके लाठी के डंटे की चोट से जब दर्द होने लगती है तब मुझे एहसास होता है, आखिर क्यों? आखिर हमारे साथी आज भी वो समाजवादी साथी मर गए, लेकिन कुछ जिंदे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा,
सामाजिक क्रांति के कारण गए थे तो उनको पकड़ के घर में बंद कर दिया गया था और कहा गया था कि इनको जिंदा जला दो। आखिर उस गांव के बगल में पिछड़े लोगों को मालूम हुआ, दलितों को मालूम हुआ, तो झुंड बना के आए तो उनको मुक्त कराए थे। किसी जमाने में पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए आवाज उठाना, तब लिंचिंग होता था। उस समय ये लिंचिंग वाले सब कहाँ थे, क्यों नहीं सोच रहे थे? उस समय याद नहीं आ रही थी, जिस समय रामविलास जी और हम एक दल में, लोक दल में थे, एक मामूली गरीब का बेटा, नाई का बेटा, सात कट्ठा जमीन जोतने वाला, कच्ची दीवार, फूस का छप्पर, नरेंद्र मोदी के जैसे, जिसके पिताजी हजामत करके गुजारा करते थे, ऐसा गरीब, और वो हमारे नेता थे, और उनको भी अपोजिशन के कुर्सी न मिले, इसके लिए चुनाव के समय हमारे लोक दल के पिछड़े और दलित 8 साथियों को चुनाव में गिनती में हरवाया गया था। वो एडमिनिस्ट्रेटिव लिंचिंग नहीं था क्या? वो चुनाव जीत रहे थे लेकिन हराया गया। फिर मैं अपने क्षेत्र का उदाहरण दूंगा, किसी साथी से कहूंगा कि जाके आप सत्यापन कर ले। चुनाव हुआ हरलाखी क्षेत्र में, CPI के उम्मीदवार थे, बड़े ईमानदार, कर्मठ। मैं उनके ऊपर पार्लियामेंट का चुनाव जीतता था, वो चुनाव जीत गए 350 वोट से। उनको हराने के लिए एक बूथ पर रिपोलिंग कराया गया, तब भी वो जीत गए 150 वोट से। फिर उस बूथ को कैंसिल करके तिवारे वोट कराया गया और बूथ को कैप्चर किया गया, और एक पिछड़ी जाति के CPI के MLA थे बगल के क्षेत्र के, वो पोलिंग एजेंट बने। उनको कुत्ते के जैसे घसीट करके ला के उपाध्यक्ष महोदय पीट पीट करके उनके दांत को तोड़ दिया, जो जीवन भर उनके दांत टूटे हुए रहे। क्या ये उस समय इसको क्या कहेंगे? मॉब के द्वारा बूथ पर से अधिकार को छीनना, पिछड़े और दलित को मार मार के बूथ पर से भगाना, उनकी औरतों का इज्जत लुटवाना, ये क्या लिंचिंग नहीं था? अपने तन का मरम न जाने मानुक मन मुराना है, जरा अपने आईना में झांको, या आपने क्या क्या नहीं किया है इस देश के साथ? मैं केवल सीधे जानना चाहता हूं, कहीं भी कुछ है। मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वह आज सारी समस्याओं के समाधान के लिए लड़ रहे हैं। समस्या पैदा किए आप, बच्चे पैदा किए आप, उसमें कोई आतंकवादी, कोई उग्रवादी, कोई कौन कौन बच्चे पैदा किए, और उन बच्चों को हम हमारे मथे डाल दिए हो, उनसे हमको निपटना पड़ रहा है। आज जब हम बेरहमी से उनसे निपटना चाहते हैं तो ना कहीं इस देश के राजनीतिक नेताओं की आवाज निकलती है कि हे नक्सलपंथियों, अब तो तुमको मुझको साथ देना चाहिए सत्ता बनाने के लिए। धिक्कार है ऐसी राजनीति पर, धिक्कार है ऐसे राजनेता पर। क्या ये लिंचिंग को आमंत्रित नहीं करना है? अपने घर को संभालो अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय। इस देश का सौभाग्य था कि एक गरीब का बेटा, पिछड़ा का बेटा, देश के लोगों ने एक बार प्रधानमंत्री बना के कुर्सी पर बैठाया। आज भी हिंदुस्तान के सामंतवादी बड़े लोग हैं जिनको ये बर्दाश्त नहीं है। मैं एक बार MLA बना, और MLA बन के मेरे पिताजी कहानी सुनाने लगे कि एक समय था जब हमारे गांव के अंदर जमींदार था, तो उसमें हम जूता पहन के या खराव पहन के चले जाते थे, तो दरवाजे पर बुला करके कचहरी में और ईंट पर खड़ा करके सूरज के तरफ आंख करवा दिया जाता था। शादी विवाह होने पर लाल धोती पहनते थे पिछड़ी और दलित, उनके धोती खोल करके नंगा करके वहां से विदा करते थे। इस अन्याय और अपराध के बीच से झेलते हुए हम आए हैं, इसलिए हमारे दिल के अंदर दर्द है कि जो भी आज भी ऊंची सामंतवादी हैं, समृद्ध और संपन्न लोग हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान को आजाद भारत में लूट के खाया है, अपने खाया, परिवार लूटा, खानदान लूटा, उनका समाज लूटा, और वो सब मिलकर के जेल गए, कहां कहां क्या क्या नहीं अपराध किया। लेकिन आज भी नरेंद्र मोदी को अगर देखते हैं तो उनके कलेजे में दर्द होता है कि मेरे सामने एक चौका बर्तन करने वाली गरीब की गरीबनी का बेटा, पिछड़ा, भारत का प्रधानमंत्री बन के बैठा है। बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लोकतंत्र कहता है बर्दाश्त करना सीखो, हमें क्षमता है, योग्यता है, तब मुझको दिया। मेरी बात बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे। CPM में भी करुणाकरण जी और डॉक्टर ये संपत पिछड़े वर्ग के हैं,
लेकिन उनकी ट्रेनिंग कुछ और हुई है, मेरी ट्रेनिंग कुछ और हुई है। आपने केवल आर्थिक विषमता के लिए लड़ते रहे। डॉक्टर लोहिया ने कहा आर्थिक विषमता और सामाजिक विषमता दोनों को साथ साथ लड़ना पड़ेगा। अगर इस देश के साम्यवादी आर्थिक विषमता के साथ साथ सामाजिक विषमता की भी लड़ाई लड़े होते तो आज उनकी यह दुर्गति नहीं होती। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि हम दोनों लड़ाई को लड़के आए हैं सदन में। इसलिए आपसे मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, एक बात मैं कहना चाहूंगा। मैं सुना रहा था कि डॉक्टर लोहिया ने कहा कि हमें इस देश के लोगों को समझना चाहिए कि आखिर इस देश के मुसलमान भूतपूर्व हिंदू तो ही हैं। इस देश के मुसलमानों को भी समझना चाहिए कि आखिर उनके पूर्वज हिंदू ही तो थे। जब उनके पूर्वज हिंदू थे तो उनके पूर्वज का राम उनका था, कृष्ण उनका था, काली उनकी थी, दुर्गा उनकी थी, देवी उनके थे, देवता उनके थे, हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति उनकी थी। वो किसी कारणवश अगर मुसलमान हो गए तो अगर उनके पूर्वज अगर हिंदू थे तो उनको भी उसके प्रति मन में सम्मान का भाव रखना चाहिए, क्योंकि वह भी उनकी बात है, यह भी उनकी बात है, यह सच्चाई है, यह सच्चाई है। मैं नहीं कहता, मैं आपको फिर श्रीमान डॉक्टर लोहिया की बात को सुनाना चाहता हूं, जो उन्होंने राम कृष्ण शिव किताब लिखते हुए कहा था। उपाध्यक्ष महोदय, जिनको साहित्य से प्रेरणा लेने की आदत नहीं है उनको मैं आदत तो नहीं लगा दे सकता ना। महाभारत हिंदुस्तान की पूर्व पश्चिम यात्रा है, जिस तरह रामायण उत्तर दक्षिण यात्रा है। पूरा पश्चिम यात्रा का नायक कृष्ण है, जिस तरह उत्तर दक्षिण यात्रा का नायक राम है। मणिपुर से द्वारका तक कृष्ण या उसके सहचरों का पराक्रम हुआ है, जैसे जनकपुर से श्रीलंका तक राम या उनके सहचरों का पराक्रम हुआ है। ये तो समाजवादी थे, ये भगवान को नहीं मानते थे, ये ईश्वरवादी भी नहीं थे, अनिश्वरवादी भी नहीं थे। उन्होंने यह किताब रामकृष्ण शिव किताब लिखी, और आखिर में किताब लिखते हुए अंत में अगर कुछ मांगते हैं भारत माता से तो कहते हैं मैं कोई इलाज सुझाने की धृष्टता नहीं करूंगा, मैं केवल इतना कहूंगा ए भारत माता, हमें शिव का मस्तिष्क दो, कृष्ण का हृदय दो, तथा राम का कर्म और वचन दो। हमें असीम मस्तिष्क उन्मुक्त हृदय के साथ जीवन की मर्यादा से रचो। ये कोई मैं नहीं कह रहा हूं, ये डॉक्टर लोहिया ने कहा। दादा आपके लिए वंडरफुल होना न हो, लेकिन हिंदुस्तान के करोड़ों गरीब पिछड़े सुन रहेंगे, उनके लिए हुकुम देव नारायण का भाषण मोस्ट वंडरफुल है, वंडरफुल देन वंडरफुल है। क्योंकि सबके अपनी अपनी भाव है, अपनी अपनी भावना है। मुझे किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए दादा, ना मैं किसी मुख्यमंत्री का नाम गिना के सर्टिफिकेट लेता हूँ, ना किसी दीदी दादा का नाम सुना के सर्टिफिकेट लेता हूँ। मैं तो ये अपनी राग सुनाता हूँ। और अपनी बात समाप्त करते हुए मैं कहूँगा कि मैं गीत सुनाने आया हूँ, हिंदुस्तान के करोड़ों गरीबों का गीत सुनाने आया हूँ। 58 वर्ष के जिंदगी में मेरे साथी मुलायम सिंह बैठे हैं, इनको नहीं मालूम है कि किस राज्य में इनका नाम भी इनकाउंटर के लिस्ट में लिख दिया गया था। उनको मालूम है, और इनकाउंटर में नाम लिखाने वाले कौन थे? क्या मुलायम सिंह डाकू थे, शैतान थे? इनका नाम इनकाउंटर में ऐसा नहीं। इस तरह 2200 पिछड़ी जाति के, और खासकर उसमें यादव के नौजवान थे, क्योंकि यादव कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में विरोध का करने वाले के नींव की ईंट बना हुआ था। 2200 पिछड़ी जातियों और खास करके यादव जवान जिनकी छाती चौड़ी थी उनका इनकाउंटर कर दिया गया था। क्या वो कौन लिंचिंग था? स्टेट लिंचिंग था। राज किसका था? इसलिए मैं जब खोजता हूं तो मेरे उघाव के जब ऊपर से उखड़ते हैं तो बड़े ही मबाद बनने लगते हैं साहब। रिश्ता है तो बहुत दर्द होता है। इसलिए मैं देश के करोड़ों गांव गरीब किसान मजदूरों से, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी से कहना चाहता हूं, बारी बारी से लड़ाए हो,
बारी बारी से सबको पिटवाए हो, बारी बारी से उसमें उग्रवादी नेता पैदा करवाए हो, और बारी बारी से फिर उसके नाम पर उस जात का नरसंहार भी करवाए हो। इतने लिंचिंग और क्या क्या करने वाले, जिसको कहते हैं महानरसंहार होता रहा, आज नरेंद्र मोदी उस सब से लड़ना चाहते हैं। मैं देश के करोड़ों किसानों, नौजवानों, गरीबों, पिछड़े, दलितों, शोषितों, वंचितों, हुकुम देव नारायण यादव तुम्हारे लिए लड़ते आया है, आज भी लड़ रहा है। मैं मानता हूं एक समाजवादी डॉक्टर लोहिया का शिष्य होने के नाते हमारे लड़ने का सबसे उचित फोरम यही है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के फोरम से ही मैं उस संघर्ष को लड़ रहा हूं और देश के लोगों को जगा रहा हूं। आओ, आर्थिक आजादी, सांस्कृतिक आजादी, धार्मिक आजादी, इन सभी गुलामी से मुक्त हो जाओ। हम किसी के दास भाव से किसी के साथ नहीं रहेंगे। हिंदुस्तान को स्वामी भाव का समन्वय चाहिए। अगर कोई अच्छा है तो अच्छा कहेंगे, किसी में गलती है तो गलती कहेंगे। सुधरो, सब सुधरो, लेकिन छेड़ो मत। अगर छेड़ोगे तो हम भी किसी को छोड़ेंगे मत। ये कहते हुए मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।